से मिला था जीतू को जोजो का किरदार। जीतू को कैसे मिली घुड़सवारी से हॉलीवुड में एंट्री? क्या जीतू नजर आने वाले हैं सोल्जर के दूसरे पार्ट में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं सोल्जर फिल्म से बड़े ही मजेदार किरदार की, जो है जीतू वर्मा। जीतू वर्मा के नाम से शायद आप नहीं समझे होंगे कि ये कौन है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ याद दिलाना जरूरी है कि आपने सोल्जर फिल्म तो देखी ही होगी। तो जोजो नाम का ये किरदार आपको अभी भी याद होगा। अपने अजीब से लुक और मजेदार सी हंसी से जोजो का किरदार सोल्जर फिल्म से सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले किरदारों में से एक था। जीतू वर्मा की बात हमने पहले भी अपनी वीडियोस में की है। ये किरदार है ही इतना मजेदार कि इसके बारे में जितनी बातें की जाएं कम है। लेकिन क्या आपको पता है कि कैसे मिला था जीतू वर्मा को ये रोल? तो आपको बता दे कि जीतू ने शौक शौक में ही स्केटिंग चलानी सीखी थी। बस इसी स्केटिंग के चलते जीतू को ये रोल मिल गया। उसके बाद अब्बास मस्तान की जोड़ी को जीतू का काम इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने आगे भी अपनी कई फिल्मों में जीतू को लिया। जीतू ने इस जोड़ी के साथ हमराज फिल्म में भी काम किया है। हमराज में ये जोजो फर्नांडिस बने हैं, जो कि एक डांस ग्रुप का चीफ है। इस फिल्म में इनके डांस को देखकर ये यकीन भी हो जाता है कि जीतू वर्मा ना केवल एक अच्छे घुड़सवार और शानदार अभिनेता है, बल्कि एक जबरदस्त डांसर भी है। हमराज में इनका रोल काफी छोटा है। फिल्म के हीरो अक्षय खन्ना इन्हें कई मंजिला इमारत से नीचे फेंक कर इनकी हत्या कर देते हैं। जीतू और अब्बास मस्तान की अगली फिल्म थी टार्जन द वंडर कार। इस फिल्म में जीतू का निभाया किरदार भी उनके करियर के सबसे शानदार किरदारों में से एक था। फिल्म में उनका किरदार लोगों ने काफी पसंद किया था। ये किरदार लोगों को गुदगुदाने में कामयाब रहा था। इनका डायलॉग, ये तो लेटेस्ट न्यूज है, काफी ज्यादा पसंद किया गया था। जीतू वर्मा ने बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड में भी काम किया है। 2006 में आई हॉलीवुड फिल्म द फॉल में जीतू वर्मा एक भारतीय योद्धा बने हैं जो तलवारबाजी में एक्सपर्ट हैं। लेकिन इन्हें हॉलीवुड में कैसे मिला ये रोल? तो आपको बता दें कि जीतू कहते हैं कि उन्हें ये फिल्म उनके घोड़ों के चलते मिली। दरअसल फिल्म की कुछ शूटिंग भारत में होनी थी। यहाँ फिल्म के डायरेक्टर तारसेम सिंह को घोड़ों की जरूरत थी, तो उन्होंने जीतू से संपर्क किया। जीतू के पास एक दर्जन से भी ज्यादा घोड़े हैं। जीतू की अपनी एक हॉर्स राइडिंग ट्रेनिंग एकेडमी भी है, जहाँ वो एक्टर्स को घुड़सवारी सिखाने का काम करते हैं। तारसेम सिंह को जब मालूम चला कि जीतू खुद भी एक एक्टर है, तो उन्होंने जीतू को ऑरेंज पिकर का किरदार दे दिया। तारसेम वैसे भी इस किरदार के लिए किसी भारतीय एक्टर की ही तलाश में थे। कहना चाहिए कि जीतू के एक्टिंग करियर की सबसे बेस्ट फिल्म यही थी। इस हॉलीवुड फिल्म में जीतू वर्मा ने बेहद शानदार काम किया है। आपको भी द फॉल नाम की ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। ये कहने में कोई परहेज नहीं है कि जीतू के टैलेंट को बॉलीवुड में वो मौके नहीं मिले जो उन्हें मिलने चाहिए थे। अब अगर जीतू की निजी जिंदगी की बात करें, तो इनकी एक बेटी है। इनकी पत्नी का नाम कुसुम है। एक दफा जीतू किसी काम के सिलसिले में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर गए थे, तब वहाँ कुछ स्थानीय लोगों ने इनकी कार पर पथराव कर दिया। ये पथराव इतना ज्यादा खतरनाक था कि कार का शीशा जब टूटा तो एक पत्थर जीतू की आंख पर लग गया और उनकी आंख बुरी तरीके से चोटिल हो गई। जीतू की आंख की सर्जरी करानी पड़ी और कई महीनों तक जीतू इस आंख से कुछ देख भी नहीं पा रहे थे, और आज भी वो आंख ठीक नहीं हो पाई है। शायद यही वजह है कि अब की बार बनने वाली सोल्जर 2 में हमें जीतू तो दिखाई देंगे, लेकिन उनकी आंख पर एक काली पट्टी बंधी होगी। उनके रोल को ऐसे पोर्ट्रे किया जाएगा कि लगे कि उनकी आंख फूटने से पीछे का कारण खुद उस फिल्म का सोल्जर है। जब जाकर ही फिल्म में जोजो और सोल्जर के बीच की लड़ाई को दिखाया जाएगा, लेकिन ये लड़ाई ज्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि बाद में ये जोजो ही सोल्जर को उसके दुश्मनों को ढूंढने में मदद करेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर फिल्म में जोजो का किरदार खुद जीतू निभाएंगे, तो फिल्म में राजपाल यादव के रोल की क्यों बात चल रही थी? क्या आप नहीं जानना चाहेंगे इसके पीछे की वजह? तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर हमारे पास ज्यादा रिक्वेस्ट आएगी तो बेशक हम इस पर भी एक अलग वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करते जाएं। आज की स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने।